तो स्टार्ट करते हैं विथ वाई फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। तो जैसे कि हमने पहले बात की है, इट इज़ डिफिकल्ट एंड मेनी टाइम्स इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन दी एग्जैक्ट मैथमेटिकल सॉल्यूशंस फॉर मेनी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। लाइक हमने जो देखा है कार्स वाला प्रॉब्लम, वो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। तो हम वहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट्स लग रहे हैं, लेकिन वो लिमिटेड है। बहुत सारे डिफरेंट फोर्सेस और मोमेंट्स हम शायद मिस आउट भी कर सकते हैं। और वैसे टाइप के कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में हमारा जो सिंपल एनालिटिकल मेथड है वो करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो वैसे केसेस में हम यूज़ करते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड। अब व्हाट इज़ फाइनाइट एलिमेंट मेथड? तो इन फाइनाइट एलिमेंट मेथड द बॉडी और स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स नोन एज एलिमेंट्स। हमने बात की है, पहले हम एलिमेंट्स बनाएंगे और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्क्रिटाइजेशन और मैशिंग। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक स्टेप ग्राफ दिखाया है और उसका बाद में मैशिंग किया है, तो वो कैसा दिख रहा है। नाउ आगे बात करेंगे तो हमें मिलेगा दी असेंबलेज ऑफ दीस एलिमेंट्स देन रिप्रेजेंट दी ओरिजिनल बॉडी स्ट्रक्चर। आप सब एलिमेंट्स को असेंबल करिए तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ दीस एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी इंटरकनेक्टेड एट जॉइंट्स। वो एक जॉइंट बना रहे हैं, उस जॉइंट्स को कहा जाता है नोड्स। जो आप नीचे देख सकते हैं कि कैसे मैंने ट्रेंगुलर एलिमेंट दिखाया है और जो जॉइंट हो रहा है वो पॉइंट्स को नोड्स दिखाया है। फिर नेक्स्ट है इन एफ ई एम सोल्यूशंस आर फॉर्मुलेटेड फॉर ईच एलिमेंट। हमें पता है सब एलिमेंट के लिए हम फॉर्मुलेट करेंगे एंड देन उसे कंबाइन करके हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो पूरे ओरिजिनल बॉडी का होगा। और उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, दैट इज गोइंग फ्रॉम पार्ट टू होल। नाउ इन ऑर्डर टू मेक द एनालिसिस मोर सिंपलर, हम क्या करते हैं, सिर्फ नोड्स के ऊपर ही उसे कैलकुलेट करते हैं। किससे? दैट इज कंटिन्यूटी और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। एफ ई ए के अंदर अमाउंट ऑफ डेटा है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। जितना एलिमेंट ज़्यादा है उतना डेटा होगा, उतना हमें ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जितना ही वॉल्यूम ऑफ डेटा बढ़ेगा उससे कैलकुलेट मैन्युअली करना डिफिकल्ट रहता है, इसलिए कंप्यूटर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन की एक्यूरेसी बढ़ेगी विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने ज़्यादा एलिमेंट उतना ज़्यादा कैलकुलेशन, और जितना ज़्यादा कैलकुलेशन उतना ही सॉल्यूशन का एक्यूरेसी। लेकिन जितने ज़्यादा एलिमेंट्स उतना कैलकुलेशन अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए कंप्यूटेशन भी इंक्रीज्ड होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था, बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है वो समझ लेते हैं। इन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन इज सॉट इन द रीजन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर व्हाइल वैल्यूज ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स आर प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन। The values of variables prescribed on the boundaries of the regions are called as boundary condition. मतलब कि हमारा जो भी boundary value problems है उसके अंदर पूरे body के region के अंदर हम solution calculate करना है try करते हैं। कोई कोई variable ऐसे है कि जिसे define किया गया है boundaries के ऊपर, ऐसे जो भी है variables उनकी जो value रहती है वो values को कहा जाता है boundary conditions। अब वहाँ पे two types के boundary conditions हैं, that is geometric boundary condition which are also known as essential boundary condition, और second है force और natural boundary condition. Now what are geometric boundary condition? तो in structural mechanics the geometric boundary condition includes prescribed displacement and slopes. मतलब कि तो हमने अभी वहाँ पे जो example लिया था step shaft का वही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे भी, और मैं क्या कर रहा हूँ कि उसके जो पीछे का surface है उसे मैं fix किए जा रहा हूँ। अगर मैं उसे फिक्स कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग क्या है कि जब भी पूरी बॉडी के ऊपर डिफरेंट पोर्शंस पे फोर्स लगेगा तब वो जो पार्ट है वो फिक्स रहेगा, उसका कोई भी डायरेक्शन एक्स वाई जी डायरेक्शन में हमें मोशन नहीं चाहिए। वो क्यों है? क्योंकि वो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा जो भी सिमुलेशन है, मेरा जो रियल टाइम फोर्स एप्लीकेशन है वो कुछ ऐसा है कि वहाँ पे वो पूरा फिक्स्ड है। तो क्या होगा, बॉडी का डिफॉर्मेशन कैसा रहेगा, कौन सा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एरिया रहेगा, वो सब मुझे इसके ऊपर देखना है। तो दिस काइंड ऑफ बाउंड्री कंडीशंस आर ज्योमेट्रिक और एसेंशियल बाउंड्री कंडीशन। ऑल्सो दिस नोन एज काइनेमेटिक बाउंड्री कंडीशन। काइनेमेटिक मीनिंग डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्सेस, राइट। उसके बाद है अब सेकेंड, फोर्स और नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। इन स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स प्रॉब्लम द फोर्स बाउंड्री कंडीशंस इंक्लूड प्रिस्क्राइब फोर्सेस एंड मोमेंट्स। मतलब कि हमारा अभी जो एग्जाम्पल था उसके मैं एंड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज़ 150 न्यूटन का मैंने यहाँ पे फोर्स डाल दिया। वो मेरा प्रिस्क्राइब फोर्स मतलब कि मेरा इनपुट फोर्स है। तो वैसी टाइप की बाउंड्री कंडीशन को कहा जाता है फोर्स बाउंड्री कंडीशन। और उससे दूसरा क्या कहा जाता है, स्टेटिक बाउंड्री
कंडीशंस। अब उसके बाद है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एफईए, तो वो आप चेक कर सकते हैं हमारे नोट्स के अंदर जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड की है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं दूसरा आपको बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो रहेगा रिले रेट्स मेथड के ऊपर, जो हम पहले सीखेंगे उसका ओवरव्यू लेंगे, फिर 1 और 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके ऊपर से हमें FEM मेथड का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम FEM मेथड के स्टेप्स जो है वो डिराइव कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, FEM के न्यूमेरिकल्स जो स्प्रिंग बेस्ड रहते हैं पैरेलल सीरीज वाले और फिर स्टेप साफ वाले रहते हैं वो सब देखेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे साथ बने रहे। अगर हम आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, तो जब भी हमारा न्यू वीडियो होगा तब हम ट्राई करेंगे कि उसे प्रीमियर ही करें, सो दैट हम वहाँ पे सुपर चैट के अंदर इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो आपके डाउट्स हो तो आप हम जब वीडियो हमारा चल रहा है हम वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू। Thank you.